दोस्तों, आप देख रहे हो आइटम्स अनबॉक्सिंग और मैं शिवम राजपूत आपके सामने एक वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। जी हाँ, आज मैं बोट के 510 रॉकर्स की अनबॉक्सिंग करूँगा, जो इसमें काफ़ी डिमांड पर चलता है। हमारा हेडफोन काफ़ी लोग इसको ले चुके हैं, इसकी रेटिंग 4.5 है फ्लिपकार्ट पर। तो जल्दी से हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको इसका रिव्यू देते हैं। तो जैसा कि मैंने इस बॉक्स को ओपन कर दिया और मैंने इसको अमेज़ॉन से मंगाया और ये आज डिलीवर हो गया है, और जल्दी से मैं इसके स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा और बॉक्स को जल्दी ही ओपन करूंगा। तो ये हमारा बोट प्लग विद निर्वाणा। जी हाँ, तो बोट काफ़ी कूल तरीके से लगा हुआ है और ये हमारी सेलिब्रिटी यानी कियारा आडवाणी जी। और माइक्रोमीटर विद वॉल्यूम कंट्रोल, प्लग म्यूजिक वायरलेस वाइब, मोबाइल टैबलेट, हैंड फ्री पिकअप इन रेडियल सॉफ्ट ईयरबड्स एंड कंप्यूटर विद एंड्रॉइड आईओएस विंडोज बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरीज। तो आप इससे फ़ोन भी उठा सकते हो और इसका म्यूज़िक प्लेबैक 20 घंटे का, चार्जिंग टाइम 2.5 घंटे और स्टैंड बाई 250 घंटे। वाह, काफ़ी अच्छा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका टाइमिंग काफ़ी अच्छी और चार्ज बहुत जल्दी हो जाएगा और चलेगा काफ़ी लॉन्ग लाइफ। जी हाँ, बहुत अच्छा है ये। और क्राफ्टेड फॉर योर एंटरटेनमेंट रॉकर्स 510। जी हाँ, जल्दी से हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे और देखेंगे कैसा है हमारा हेडफोन। तो ये बॉक्स काफ़ी, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है और मुझे इसका बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा खोलने में। इसका एक्सपीरियंस शेयर करने मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है आप लोगों से। तो और ये हमारा हेडफोन जिसमें ऊपर लिखा हुआ है बोट, जो काफ़ी कूल लग रहा है देखने में। और ये हमारा बॉक्स, इसके अंदर हमें ये मैनुअल कार्ड जो पड़ता नहीं, जैसे कि आप भी जानते हैं कोई हमारे मैनुअल कार्ड्स कोई पड़ता नहीं है। और ये इसका केबल, जिससे अगर आप इसको ब्लूटूथ से ना यूज़ करें तो आप इसको केबल से भी यूज़ कर सकते हो। और एक है आपको चार्जिंग केबल। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो चार्जिंग टाइम है वो हमारा 2.5 घंटे और चलेगा ये हमारा 250 घंटे। तो काफ़ी अच्छा है ये हेडफोन और इस टाइम काफ़ी लोग इसको ले भी रहे हैं और इसीलिए मैंने भी इसको लिया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है। और ये इसका एक मुझे और मैनुअल कार्ड मिला है जिसमें जिन जिन खिलाड़ियों ने इसका ऐड किया है उसका उसमें दिया हुआ है डिटेल्स में। और अभी हमारी आईपीएल जो हुआ था उसमें भी क्या कहते हैं काफ़ी ऐड चला था बोट का, सबके हेलमेट्स में लिखा हुआ था बोट। तो ये हैं हार्दिक पांड्या हो गए और ये सब जितने खिलाड़ी हैं बुमराह वगैरह, ये सब का मतलब इसमें इन लोगों ने ऐड किया था। तो इसमें एक अलग से स्टिकर टाइप का दिया हुआ है इनको। और तीन चार टीमें थी जैसे KKR, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस और CSK, इन चार लोगों ने इसका ऐड काफ़ी किया था। और इसकी इसके वारंटी की बात कर ले जाए तो इसकी 1 साल की वारंटी है और मुझे इसका एक कार्ड भी मिला हुआ है। तो वैसे तो बोट के हेडफोन काफ़ी लंबा चलते हैं और हम जल्दी से इसके म्यूज़िक को ओपन करके देखना चाहेंगे कि म्यूज़िक में क्या। और मैनुअल कार्ड्स कोई पढ़ता नहीं, जैसे कि आप सब जानते हैं मैनुअल कार्ड्स सिर्फ दिया जाता है और कोई पढ़ता कोई नहीं है। और मैं भी बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। इसके आपको दो तीन वेरिएंट मिल जाते हैं। एक आपको इसमें ऑरेंज कलर मिल जाएगा, एक ब्लू कलर मिल जाएगा और एक आपको इसमें ग्रीन कलर मिल जाएगा। तो ये चार वेरिएंट में ये हेडफोन आता है। आप उसको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से बुक कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस, अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका प्राइस मुझे पड़ा था ये 1500 का, और इस समय अगर आप देखेंगे तो आपको ये 1800-1900 का पड़ेगा। आप इसको अधिकतर सेल वेल्स में लीजिए तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और ये कुशन काफ़ी सॉफ्ट है जो आराम से आपके, जब आप इसको पहनेंगे तो आपके सर में ज़्यादा ये लगेगा नहीं, और कुशन की वजह से तो काफ़ी अच्छा है। उसमें क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसके जो ईयरबड्स हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। बस एक दिक्कत आपको हो सकती है कि आप अगर चश्मा लगाते हैं, अगर आपके चश्मा टेस्टेड है तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, अगर थोड़ा सा आपके कान के पास दर्द होने लगेगा अगर आप डायरेक्ट ज़्यादा यूज़ करते हो। तो अब जल्दी से म्यूजिक को हम शुरू करते हैं। अब बजरंग
म्यूज़िक तो मैंने काफ़ी तेज़ लगा दिया, कुछ लोगों के तो कान भी सुन हो गए होंगे। तो काफ़ी अच्छा है देखा, और आपसे मालूम चलता है कि कितना अच्छा हेडफोन है। और ये आपका चार्जिंग का पोर्टेबल जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे चार्ज करने के लिए, आप हेडफोन से भी म्यूज़िक को चेंज कर सकते हो और इसका साउंड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। और ये इसका 3.5 mm का जैक जहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हो, ये चार्जिंग के लिए आप इसको यहाँ पर आप आराम से चार्ज कर सकते हो। और आप इसको चार्ज करोगे तो इसमें एक अलग से इंडिकेटर चलेगा रेड कलर का, इससे आपको मालूम चलेगा कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा है ये। जैसे कि देख रहे होंगे कि अभी चार्ज हो, अब मैंने इसको अपने अडाप्टर से लगाया और ये चार्ज होने लगा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद जय श्री राम।